back to my YouTube channel. Hope you guys are absolutely fine. तो ये है मेरा 100वां ब्लॉग, मतलब मैंने अपने ब्लॉगों की सेंचुरी कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात किया जाए। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि वाई गौरव तनेजा, सौरभ जोशी एंड तन्मय भट्ट आर शूटिंग विद फ़ोन। क्यों आज भी वो लोग अपने फ़ोन से ही ब्लॉग कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही। तो ये रीज़न शायद से मैंने निकाल लिया, मैंने क्रैक कर लिया, तो आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है इजी टू शूट, और दूसरा है कैप्चर द मूवमेंट, एंड थर्ड वन इज हाई क्वालिटी वीडियो। जो फ़ोन आज के टाइम में तीनों चीज़ दे रहा है जो कैमरा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आप लोगों को एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता हूँ कैमरा और फोन में। तो सबसे पहले जो कैमरा है उसको मेन चीज उसका ओपन होने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, इस वजह से वो लोग शायद से इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं कैमरे को। और फोन है जो बहुत ही जल्दी क्विक एंड स्नैपी होता है, जो बहुत ही जल्दी खुलता है और आप उससे अपने वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसलिए ईजी टू कैप्चर मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही कैमरा खोला, आपने कैमरा का यहाँ पे ऐसे टैप किया और आपका कैमरा ओपन, जैसे कि आप देख सकते हो। और यही आप अगर आप कोई प्रोफेशनल कैमरा है गोप्रो कर रहे हो तो उसको दबाओगे, वो टाइम लेगा, प्रोसेस होगा, फिर ओपन होगा, तब तक के लिए आपका जो मूवमेंट है ना वो गायब हो जाएगा। तो फिर क्या मतलब समझे? तो इसलिए इजी टू कैप्चर अपने फ़ोन से। और दूसरा चीज़ जो मैंने आपको बताया कैप्चर द मूवमेंट, तो कैप्चर द मूवमेंट वो भी आपका फ़ोन जल्दी खुला तो मूवमेंट कैप्चर होगा, आपका कैमरा जल्दी नहीं खुला तो कैप्चर नहीं होगा। तो ये रहा दूसरा डिफ्रेंशिएट। थर्ड है हाई क्वालिटी वीडियो। आजकल के टाइम में फ़ोन आपको 4K 60fps और 120fps भी देता है। iPhone, OnePlus, Samsung ये तीनों फ़ोन बहुत ही अच्छे वीडियो क्वालिटी देते हैं। आजकल की vivo और oppo तक भी दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हो। तो इसलिए, और iPhone अगर आपके पास है तो आपके पास बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी वीडियो कैमरा है, क्योंकि आईफोन जो है अपने वीडियो में बेंचमार्क हमेशा टॉप रखता है। आजकल तो सिनेमैटिक मोड भी दे चुका है जो DSLR जैसा शूट करता है, तो आप सोच सकते हो कि कितना हाई क्वालिटी वीडियो आपको वो दे रहा है। तो चलिए अब कोई दूसरी जगह पे बात करते हैं। और ये चीज़ मैंने खुद भी अप्लाई किया है, क्योंकि जब मैं अपने GoPro से शूट करता था अपने दोस्तों के पास जाके, तो वो लोग थोड़े से कैमरा कॉन्शियस हो जाते थे। कैमरा जब आता था तो जो उनका एक्चुअल मूड होता था वो चेंज हो जाता था। इस वजह से मैं धीरे धीरे जब मैंने फ़ोन पे शूट करने लगा, तो वो लोग भी मोस्टली बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं फ़ोन के साथ, क्योंकि वो लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो मैं जब भी फ़ोन से शूट करता था तो लाइक वो लोग अपना जो एक्चुअल उनका मूड होता था, एक्चुअल जो उनका लाइक उस समय का माइंडसेट होता था, उसी में वो लोग मेरे से बात करते थे, तो वो उतना उनके लिए कैमरा कॉन्शियस नहीं होता था। तो उसका एक ट्रिक है कि अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो तो उसके सामने आपको कैमरा कैसे रखना है। आपको उनके सामने ऐसे नहीं रखना है, आपको उनके अपने चेस्ट के पास रखना है ऐसे, और उनसे आंखों में बात करना है, आई कांटेक्ट करके। उनको सिर्फ आपको कैप्चर करना है अपने फ़ोन में। अगर आपके पास वाइड एंगल है तो इज द बेस्ट, क्योंकि वो पूरा वाइड यूज शूट करेगा और बहुत ही अच्छे से दिखेगा आप सामने वाला बंदा। और वो आप उनसे बात कीजिएगा, मतलब आप एज अ पर्सन उनसे बात कीजिएगा। आपका कैमरा आप होना चाहिए, लाइक कैमरा नहीं होना चाहिए। एज अ पर्सन मतलब आपके बॉडी में ही वो आपके साथ चिपका हुआ है, तो उन लोगों को लगेगा कि आप उनसे ही एक्चुअल बात कर रहे हो। तो जो एक्चुअल उनका बिहेवियर होगा वो आप इसमें कैप्चर कर सकते हो, और आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हैपनिंग एंड एंटरटेनिंग बनेगा, लोगों को पसंद आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कैमरा यहाँ पे रखते हुए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक लिए पीस आउट।